एक्सट्रीम 125 आर के साथ। बाकी तुम लुक्स चेक कर सकते हो कैसी लग रही है, प्यारी सी। तो अभी फ़िलहाल मैं हेलमेट वगैरह उठा लिए। अभी क्या सीन है कि अभी इसका ना आज नंबर प्लेट आ गई थी, तो आज नंबर प्लेट लगवाते हैं। नंबर में बस एक चीज़ की कमी है मेरे भाई, ये दो की जगह चार होता ना, तो नंबर होता 4, 5, 6, 7। वही तो गाल ऐसे लटक रहे थे जैसे पता नहीं कौन सा प्रोटीन चाट रहा है मुंह से गाल वाले। अंकल तो टहल रहे होंगे इधर उधर, इसके पापा ऐसे हैं मुझे आदमी। बाकी इन सबकी शक्लें देखो, उतर चुकी है पैदल चल चल के। सबसे ज़्यादा इसकी उतरी है शक्ल, ये देखो। बाकी पहला बंदा ये जो यहाँ से पैदल गया था, हमारा दोस्त पैदल गया था, काड़ा पाजी एकदम फ्रूट की ताल में बैठे हुए, मगर इन्हें कुछ दिया नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये बैठा भी ऐसे ही है चक्कर में, ये मिल जाए कुछ ना कुछ। ये देखो ये नियत्ता आदमी, वहाँ पे इसने पहले नंबर लगा लिया था कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए, कौन सा कावड़िया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फुल एंड फुल अपनी एक्सट्रीम 125 आर के साथ। बाकी तुम लुक्स चेक कर सकते हो कैसी लग रही है, प्यारी सी। तो अभी फ़िलहाल मैं हेलमेट वगैरह उठा लिए। अभी क्या सीन है कि अभी इसका ना आज नंबर प्लेट आ गई थी, तो आज नंबर प्लेट लगवाते हैं दोनों तरफ आगे पीछे बढ़िया करके। और हमारी गाड़ी चल चुकी है पूरी 525 किलोमीटर, 750 रुपये इसकी फर्स्ट सर्विस है, वो करवाएंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर और भी प्यारी प्यारी वीडियो लेके आएंगे। बाकी फ़िलहाल मैं अभी विपिन को उठाते हैं और चलते हैं कहाँ पर नंबर प्लेट लेने के लिए इसकी, और अपनी स्प्लेंडर की भी नंबर प्लेट लानी है। तो निकलते हैं पहले, फिर विपिन को उठाते हैं, फिर चलते हैं जल्दी से शोरूम, नंबर प्लेट कसवाते हैं और स्प्लेंडर की भी नंबर प्लेट लेके आते हैं। अभी चल रहे हैं अपना एकदम बेहतरीन करके अपनी एक्सट्रीम पे, और टेलीफोम वाली गलियों से होते हुए जा रहे हैं कहाँ पे, अपना हीरो के शोरूम जो कि आदिशिनी में। तो वहीं पे नंबर प्लेट कलेक्ट करेंगे, देखते हैं क्या नंबर आता है, क्या सीन है क्या नहीं। बाकी सब तो मस्ती है, और गाड़ी आज और दिनों से ज़्यादा बेहतरीन चल रही है, पता नहीं क्यों मज़ा सा आ रहा। और GoPro वगैरह का सेटअप है नहीं, तो इसलिए ऐसे हाथ से रिकॉर्ड करनी पड़ रही, थोड़ी ब्लर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा थोड़ा लोकल क्वालिटी का ना मेरी जान, तो चल रहे हैं आ गए थे नंबर प्लेट लेने आदिशिनी, और इनमें से एक हमारी नंबर प्लेट है इतनी सारी में से। बाकी ये भैया जो हमारे बगल में बैठे ये निकाल रहे हैं और एंट्री वगैरह करनी है। बाकी ये देखो, बाकी भाई आ गए हैं अपना हीरो के वापस से शोरूम पे एक बार और आदिशिनी वाले पे। बाकी ये खड़ी भाई 210 cc में XMR, मस्त लग रही है ऐसी, हमने येलो कलर में देखी थी, सब बोल रहे थे निंजा निंजा। बाकी यहीं से अपनी बाइक निकली थी वो खड़ी एक सेम, यहीं से यही वाली देखी थी, मगर निकलवाई दूसरी थी। अच्छा भाई शोरूम काफ़ी सारी बाइक हैं, कोई नहीं, अभी सबसे पहले नंबर प्लेट लेते हैं, विपिन देख ही रहा है, फिर बात करते हैं आपसे। फिलहाल में विपिन भाई हमारे नंबर प्लेट की कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, करवा रहा हूँ नंबर प्लेट की। ये आइए भाई, ये हमारी स्प्लेंडर की, जो पुरानी वाली स्प्लेंडर थी ना उसकी रिन्यू में मंगवाई है, उसमें टेप वाली थी। बाकी विपिन तो बड़ा खुश है आज, कह रहा हाथ तेरी का नंबर प्लेट देख के खुश हूं मैं। ये रही भाई, अब चलते हैं अपनी एक्सट्रीम की भी नंबर प्लेट लेते हैं अंदर से, फिर करते हैं इसका काम जाऊँ, वही तो बातचीत है। चले भाई, तो भाई क्या सीन था कि अभी घर आ गए थे फिलहाल में, वो जो नंबर प्लेट थी ना हमारी वो मिल नहीं रही थी उस टाइम पे, क्योंकि कहीं रख दी थी किसी ने, और वो लंच पे चला गया था बंदा जिसने रखी थी। तो अभी शाम हो रही है, तो अभी निकलते हैं अपनी नंबर प्लेट लेके। अपनी पुरानी स्प्लेंडर की भी नंबर प्लेट ले ली है हमने, इसमें सेट करवाएंगे, क्योंकि इसमें ना पुरानी टेप वाली नंबर प्लेट थी, तो ये टेप वाली हटवा के सही वाली करवाएंगे जिसमें स्टैम्प वगैरह होती है। तो अपनी एक्सट्रीम की भी लगवाते हैं और अपनी स्प्लेंडर की भी लगवाते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। अपनी नंबर प्लेट आ गई है एक्सट्रीम की, और ये देखो भाई अपनी लगने है वाली है, और इसे हम लगवा रहे हैं डबल करके ताकि प्लेट मुड़े ना, क्योंकि सिंगल में मुड़ जाती है भाई। वैसे ये ना लगाने का तरीका बहुत बढ़िया है, नेटवर्क का कोई सिस्टम ही नहीं है, ऐसे करके ये फंसाओ और फिर खींच दो उससे प्लास एक बड़ा सा उसे पकड़ के, और भाई मस्त है ना प्लास लगाएंगे भाई, लगाया मस्त बैटरी, नेटवर्क का कोई चक्कर ही नहीं भाई, मेरे को तो तरीका बढ़िया लगा है, 3-4 बार में टाइट हो जाती टूट गई ले वैसे दूसरी वाली लगी। ये बढ़िया तरीका है, नंबर देखो भाई टिकट आया ना 2567 BL3 है, सेट हो गए भाई पीछे की आवाज़ भी लगवा लेते जल्दी से ऐसी सेम क्योंकि मुड़े ना इसलिए लोगों में उंगली बहुत रहती है, नंबर प्लेट से छेड़खानी करते रहते हैं। हमारी स्प्लेंडर को हो गए थे पूरे 14 साल, और ये देखो भाई इसका नट इतना जंग खा रहा है कि भाई इसे दम लगाने पे भी नहीं खुल रहा, अब हल्का सा जरा सा घूमेगा पता नहीं कैसे, पूरी ताकत लगा दी भाई ने, ये देखो भाई जंग लग जाता है ना नट में तो टाइट हो जाता है, फिर ऊपर से मट्टी वट्टी है, कीचड़ का पानी है वो। फिलहाल में ये निकाल लिए भाई ने, अब जाएंगे। तो भाई फिलहाल में अपने पीछे वाली भी लग चुकी है, आगे वाली तो डनी हो गई है। वैसे यार तरीका बहुत बढ़िया है, नट वगैरह से कोई दिक्कत ही नहीं,
बाकी नंबर प्लेट हो गई है ओके दोनों गाड़ियों में, ये भी हो गई और ये भी हो गई। अब पापा इसे आराम से ले जा सकते हैं जहाँ मर्जी। अभी जाएगी लंबे टूर पे, समझ रहे हो, अभी चलना है घर। क्या सीन है कि अभी हमारा जो गौरव था तो वो भोला बन के गया था कहाँ पे, हरिद्वार। तो फिलहाल में रोहित तनीष सब तो मिल के आ चुके हैं, बस मैं ही रह गया था। तो सुशील भाई को अभी मैंने बुला लिया, पूरे एकदम कल तो गिलहरी करके एकदम फ्लैश लाइट मार के मुंह पे। हैं बोल भाई सतीश क्या कर रहा है, इस बार इसकी तरह इसके तू भी चलेगा क्या? पैदल जा रहा हूं मगर मैं, टाइम लगेगा मेरे को, फिर मत बोलियो कि भैया लेट हो रहे हो। भाई भी देख लो मेरे को टाइम लगेगा, उसके पास जा रहा हूं ना मैं। मैं भी जाऊँ गोरख से मिलने के लिए। तो सतीश भाई को हमने ले लिया एकदम करंट में, है मीटर खींच के, मीटर खींचेंगे। लो भाई एक और बंदा आ गया। हाँ बुर्री चल रहे हैं, हाँ पैदल ही जा रहे हैं यार। अरे पैदल ही चल रहे हैं, अरे पैदल चल, खाना खा रहा है अभी, पैदल पैदल घूमने का मन है, चल पैदल। तो भाई चलते हैं और अपना गोरख से मिलते हैं, एकदम गोरख जोन तगड़े वाले बंदे। नहीं पैदल चल रहे हैं, मैं चेक करवा दूँ पूरा टेंट। ये लग रहा भाई लंबा सा एकदम एंड तक लगा है। अभी हम अपने पनवाड़ी भाई को ढूंढते हैं कहाँ पे, ठीक है। फिलहाल में ये हालत हो रही है थोड़ा रोड की, कीचड़ वगैरह है, बट फिर भी हम पैदल मिलने आए हैं अपने दोस्त से। बट कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कहाँ बैठा होगा। पूरे ऐसे करे वो बैठा दिख गया, पनवाड़ी के पापा दिख गए, तो चल रहे हैं वहीं पे, फिर कंटिन्यू करते हैं। पहले इस कीचड़ से बाहर निकलते हैं। ये देखो भाई पूरे में कीचड़ हो रखा है, सावन की वजह से बरसात हुई थी कल बहुत तगड़ी। ये देखो भाई हमारा गौरव भाई वो खड़ा और रोहित उसके पीछे लाइन में लग गया है, पता नहीं कुछ खाने के लिए। ये देखो इतना बड़ा भूखा इंसान है, ये कावड़ियों को खाने में लाइन में लगा पड़ा है। ये देखो गलत बात है, ये सिर्फ कावड़ियों को खाना तो कावड़ियों को ही खाना चाहिए, मगर ये हमारा रोहित मानेगा नहीं, बाज नहीं आएगा, भंडारे की लाइन समझ के लगा पड़ा है लाइन में। गलत बात है पुर्री, गलत बात है तेरी, ये गलत बात है बेटे। नाम लिखे जा रहे हैं, हसर आया हसर। ये चेक करो हमारा गौरव भाई एकदम बेहतरीन करके आ चुका है, उनका बड़ा बड़ा लेके जी जय। और अक्रम तू भी कहते क्या भाई? तू नहीं कहता? और भाई बढ़िया, बाकी इन सबकी शक्लें देखो उतर चुकी है पैदल चल चल के, सबसे ज्यादा इसकी उतरी है शक्ल, ये देखो। और हमारा रोहित तो वही तो गाल ऐसे लटक रहे थे जैसे पता नहीं कौन सा क्रिएटिन प्रोटीन चाट रहा है, मुंह से गाल वाल तो सब उतर रहे हैं। अंकल तो टहल रहे होंगे इधर उधर, इसके पापा ऐसे हैं मोजी आदमी। नहीं बस तू पी यार, तू ज्यादा पी, तेरी सेहत पे ज्यादा ख्याल रखना हमें वो क्या। बाकी ये चेक करो भाई, इन्हें गिफ्ट में मिला है भी ब्लूटूथ वगैरह, ये कोई नहीं इससे तो मैं ही छीन लूंगा, बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं। अब चलाओ तो सही भाई, तभी तो मजा आएगा। तो भाई फिलहाल में बड़ा खुश लगा क्योंकि मेरे पहला दोस्त भी लेके गया है, आंसू भी गया है मगर वो बाइक से गया है, बाकी पहला बंदा ये जो यहाँ से पैदल गया था हमारा दोस्त, पैदल गया था। और गौरव के पापा ये रहे हैं, कह रहे फ्रूटी व्रूटी पी लो, तो काला पाजी एकदम फ्रूटी की ताल में बैठे हुए, मगर इन्हें कुछ दिया नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों ये बैठा भी ऐसे ही है इस चक्कर में कि मिल जाए कुछ ना कुछ। ये देखो ये नियत्ता आदमी, वहाँ पे इसने पहले नंबर लगा लिया था कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। कौन सा कावड़िया है भाई? तो खामा खाने फ्रूटी चाटने आया इधर, अभी थोड़ा भाई से बातचीत करते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं घर अपना। गौरव भाई से और बाकी भाइयों से मिलते हैं, अब चल दिए घर की तरफ, फिर अब करेंगे गाड़ी वाड़ी खड़ी। और इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई मस्ती नए फन के साथ। और कल चढ़ाते हैं भोले बाबा को जल्द।